की बदौलत आज हमारे लोग कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जज है, कोई कर्नल है, कोई कमांडर है, न जाने किन किन पोस्टों पर बैठे। लेकिन साथियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे आप कुछ भी बन जाइए, अगर आपके मन में आपके गरीब भाई के लिए भावना नहीं, तो समाज के कीड़े मकोड़े के समान हो। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि बाबा साहब अपने आखिरी दिनों में, किसी ने बताया कि रोते पाए गए और किसी ने पूछा, बाबा साहब आप क्यों रोए? तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया आप सबको मालूम। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी कि जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज को आगे बढ़ाएं, उस समाज की रक्षा करें। अगर कोई डीजीपी स्टेट में बैठा हो और हमारे मां बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, तो वो डीजीपी हमारे किस काम का? अगर कोई सेक्रेटरी बैठा है और हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चों को जिंदा जला जा रहा है, तो वो सेक्रेटरी हमारे किस काम का? अगर हमारे ऊपर और अत्याचार हो रहे हैं, और चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारे चाहे सैकड़ों वकील हो या हजारों वकील हो, अगर कोई उस बच्चों की, उन पीड़ितों की आवाज नहीं उठाता, तो वह हमारे किस काम के हैं? तो हमें यह चीजें सोचनी पड़ेगी कि हम जिस समाज में आए हैं, माता रमाबाई ने, बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए, और उस तकनीकी वो क्यों किए? ताकि हमारे लोग आगे बढ़े, आगे बढ़कर संपन्न हो और समाज में उनका स्टेटस बढ़े, और अपने उन गरीब भाइयों के लिए काम करें जिनको उनकी जरूरत है। अगर वो लोग उन गरीब भाइयों के काम नहीं करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कर्नल हो या डीजीपी हो, वो सिर्फ अपने ही बच्चे पाल रहा है, अपना ही सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को समाज में क्या करना चाहिए? अगर समाज में पैदा हुए हो तो समाज के उन गरीबों की सुननी पड़ेगी, उन गरीबों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अदरवाइज हमारी आने वाली पीढ़ियां आपको गद्दार कहेंगी और मनुवाद हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुचल डालेगा। इसलिए हम सबको मिलकर, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी संगठन में काम कर रहा है, हमें अपने उन गरीब भाइयों के लिए सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है।